प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु में आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयां लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।